जिला बिलासपुर के स्वरगढ़ पशुपालन महकमे द्वारा बकरी पालन योजना के अंतर्गत अच्छी नस्ल के पशु नहीं देने पर पशुपालकों में प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त है। जिला बिलासपुर के स्वरगढ़ पशुपालन महकमे द्वारा बकरी पालन योजना के अंतर्गत अच्छी नस्ल के पशु नहीं देने पर पशुपालकों में प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त है। काबिले गौर है कि जिला बिलासपुर के उपमंडल स्वरगढ़ के अंतर्गत पशु निरीक्षण संस्थान स्वरगढ़ में बकरी पालन योजना में लाभार्थियों द्वारा अपना 40% धनराशि लगाने के बाद भी उन्हें अच्छी नस्ल की बकरी व बकरा नहीं मिले हैं। पशु निरीक्षण संस्थान में पशुपालकों को 46 छोटी बकरियां व 12 छोटे बकरे वितरित किए गए हैं। कुल 58 बकरी व बकरे पशु निरीक्षण संस्थान स्वरगढ़ के तहत आने वाले जनता के लिए प्रदान किए जा रहे हैं। कुछ पशुपालकों का आरोप है कि पशुपालन विभाग द्वारा अच्छी नस्ल के बकरी व बकरे नहीं लाए गए हैं, जिसके कारण कई पशुपालक बिना पशु लिए खाली हाथ अपने घर वापिस लौट गए हैं। बिना पशु लिए खाली हाथ लौटे पशुपालकों में रिह निवासी गौरव रामलाल व धर्म सिंह सवाहन से संबंध रखते हैं। ये सभी पशुपालक काली गरीबी रेखा से संबंध रखते हैं। धर्म सिंह निवासी सवाहन ने करीब 22,000 की राशि बकरी पालन योजना में लगाई थी ताकि उसे पशुपालन विभाग से अच्छी नस्ल के पशु मिल सके। इसने 10 बकरी व 1 बकरा लेना था, लेकिन धर्म सिंह ने कहा कि गरीबों को ठगा जा रहा है, पर सरकार को पशुपालन विभाग के खिलाफ जांच बिठाई जानी चाहिए। रामलाल रिह निवासी ने 11,000 की धनराशि उक्त योजना में पशु लेने के लिए लगाई थी, लेकिन उसने भी अच्छी किस्म में सवाल उठाए हैं। रिह निवासी गौरव ने भी उक्त योजना में 23,000 की रकम महकमे के पास एडवांस जमा करवाई थी, लेकिन इन्होंने भी पशु लेने से इनकार कर दिया है। इनका कहना है कि जब पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों को अच्छी नस्ल के पशु ही नहीं दिए जा रहे तो अच्छी नस्ल कैसे तैयार हो पाएगी। ये बकरी जो है घटिया स्तर की है, अच्छी नस्ल नहीं है, हम इसलिए इनको नहीं लेना चाहते हैं। और इनमें छोटे बच्चे है, वजन भी पूरा नहीं है इनका, कम वेट है, और जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके हिसाब से नहीं है, सही नहीं है, हम इसको अब नहीं लेना चाहते हैं। अच्छी नस्ल की बकरी हमें दोबारा ला के दें। बीटल नस्ल की जो बकरी है ना जी, उसका इतना इतना लंबा कान है और वो मतलब कागजी पतली होगी, हाँ कागज में पतली होगी उसका मतलब, और मतलब 40 और 45 किलो के बीच उसका वेट होगा। बकरे का वेट 55 से 60 किलो होगा। ये देसी बकरियां हैं, इनमें तो कोई बीटल नहीं है। ये कोई राजस्थान की बकरी है, कोई पटियाले की बकरी है, ऐसी तो यहाँ 1,000-1,500 रुपए की बकरी मिल जाती है। ये मतलब 60-40 की रेशो है ना जी इनकी। अब आप महकमे जिसे इनसे पता करो, महकमे वालों से, ये किस रेट में लगाए, हमसे ने 40% पैसे दिए और 60% सरकार ने, और इसका इनसे पता करो कि ये एक पीस कितने का दिया गया इनको। मतलब हमारा हक ले आ जाए, गरीबों को लूटा जाए। बकरी पड़ रही है, कैसे पड़ रही है आपको बताओ, आपको क्या सब्सिडी बताओ। सब्सिडी एक बकरा हो मेरे को 22,500 में, लेकिन उसका फायदा नहीं है, तो मतलब पैसे खराब करने वाला काम है ये। ये तो जो नस्ल है ये तो गांव में मिल जाती है, लेकिन जो हमें प्योर चीज चाहिए ना सरकार के द्वारा से, तभी हमारा काम चलेगा। ये मिस यूज नहीं होना, जब सरकार गरीबों को मदद करती है उसका मतलब ठीक यूज होना चाहिए, और गरीबों तक उसकी सुविधा पहुंचनी चाहिए। पशुपालन विभाग से हमारा आग्रह कि ये मतलब ये डुप्लीकेट पशु हमें नहीं चाहिए, इसके बारे कानूनी कार्रवाई करे सरकार। आ रहा हूँ, और मुझे बहुत हरासमेंट किया जाता है, डुप्लीकेट जब माल दिया जाता है ना तो हमें बहुत दुख होता है। सरकार के जब बैठी होता है लोग कहते हैं कि सरकार ने क्या दिया, कैसा माल दिया, ये इसके बारे में बातचीत की जाती है तो लोग हमें गालियां देते हैं कि आप अच्छी नस्ल के पशु लाए कि या डुप्लीकेट माल लाए। मैं कह रहा था 100 रुपया जी। कितने पशु लेने हैं आपने, उससे बकरी कितने लेनी? मैं 10 पशु आने थे, विलेज पोस्ट ऑफिस ऑन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। ये जो बकरियां हमें दी गई हैं ये डुप्लीकेट बकरियां हैं, और इनको वायरल फैला हुआ है जिससे मतलब आगे वाली बकरियां भी बीमार हो जाती हैं, और ये 2-2, 3-3 किलो का बच्चा है, 2-2, 3-3 महीने की, जबकि सरकार 40-60% सरकार डालती है, 40% हम जिम्मेदार लोग डालते हैं, और इससे गरीबों को भारी परेशानी होने का सामना करना पड़ता है। जब ये पशु मर जाते हैं तो इनका ये कोई बीमा हमें नहीं देते, इसलिए पहले हमें कहते हैं आपको आश्वासन दिया जाता है कि इसी पशुओं का बीमा दिया हुआ है, आपको पैसे मिलेंगे, ये झांसा दे देते हैं। अब इस बकरी 2-2 किलो दूध देगी, लेकिन बाद में 0 रिजल्ट होता है इनका। महेंद्र कुमार, वेटरनरी फार्मासिस्ट, स्वरगढ़ में डिप्यूटी हूँ, और यहाँ स्वरगढ़ में 46 फीमेल गोट्स और 12 बेल आए हुए थे, और इनको हम लोगों को दे रहे हैं।
कुछ लोग इसमें ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि ये नस्ल की नहीं है, तो हम इनको सेटिस्फाई कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। बाकी इसके बाद देखते हैं कितने लोग मना करेंगे बाद में।